दशहरा पर्व पर मूर्ति विसर्जन के लिए राप्ती नदी तट पर 3 तालाब बनाए गए हैं। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से राप्ती नदी तट पर मूर्ति विसर्जन के लिए लोग मां की भक्ति व आराधना करते हुए तालाब पर पहुंचकर मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन कर रहे हैं। वहीं नगर निगम प्रशासन द्वारा मूर्तियों के विसर्जन के लिए राप्ती तट पर 3 कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं तथा साफ सफाई के लिए भी नगर निगम के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। रात्रि में मूर्ति विसर्जन के लिए लाइट का भी प्रबंध किया गया है, जिससे कि रात में मूर्ति विसर्जन करने के लिए किसी तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। नगर निगम के कर्मचारी मूर्ति को निकालकर तालाब से बाहर कर रहे हैं, जिससे कि दूसरे आने वाले श्रद्धालुओं को तालाब में मूर्ति विसर्जन करने में किसी तरह की दिक्कत ना आए। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से पुल से लेकर तालाब तक पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी तथा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी तथा एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा। सेक्टर वाइज व्यवस्था की गई है और पुल पे और जो उसके अप्रोच वाले रास्ते हैं उन पे अलग से व्यवस्था की गई है। पर्याप्त पुलिस फोर्स है, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि कोई भी कहीं विवाद ना हो और शांतिपूर्वक और बिना किसी दुर्घटना के ये त्यौहार सफल संपन्न हो। उसके लिए सादे में भी लोग लगाए गए हैं जो उपद्रवी लोगों को चिन्हित करेंगे और हर जुलूस के साथ में एक बीट पुलिस अधिकारी और चौकीदार या होमगार्ड रहेगा, तो इस बात का पूरा प्रयास किया जाएगा कि कहीं कोई विवाद ना हो। सर कहाँ कहाँ पे यहाँ पे मूर्ति विसर्जन?
यहाँ पे जो एकला बंधा है वहाँ पे मुख्य रूप से प्रशासन ने तैयारी की है विसर्जन की, तो वहीं पे अधिकांश मूर्तियाँ कराएंगे। बाकी परंपरागत रूप से जो जहाँ पे विसर्जित करते रहे हैं लोग वहाँ पे विसर्जित करेंगे। कचड़ी क्षेत्र के सभी 10 स्थानों में मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम सकुशल चल रहा है, सभी पारंपरिक स्थलों पे विसर्जन हो रहा है और आज जिन मूर्तियों का विसर्जन होना था उनमें से 60% का लगभग विसर्जन हो चुका है। शेष का रात्रि में कार्यक्रम का होता है उसके हिसाब से विसर्जन होगा और 16 तारीख के विसर्जन वाली या उसके बाद के विसर्जन वाली वो कल और उसके आगे होगी।